हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। तीन वीडियो आज की डेट में आ चुकी है, जाके देख लीजिएगा। और यहाँ पर मिल्टन प्रोडक्ट्स आपने यूज किए होंगे, उसका शेयर है 10 रुपए का, जाके देख लीजिए। और ऐसे ही एक शेयर आपके सामने लेके आऊँ जिसमें अगर मैं बात बताऊँ तो कुछ पैसों का स्टॉक्स था, आज वो 2400 रुपए पे स्टॉक चल रहा है। 2 साल में अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, उस पर्टिकुलर कंपनी से रूबरू कराएंगे, जानेंगे, पूरा मिलेंगे। स्विस मिलिट्री कंज्यूमर गुड्स इस पर्टिकुलर कंपनी का नाम है, ओके। और मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ चीज़ें, तो आप यहाँ पर हैरान हो जाएंगे इसके रिटर्न्स देख के कि इसने एक मल्टी बैगर रिटर्न जिसे कहते हैं ना, वो दिए है पिछले, अगर 2 साल की बात करें तो कितने परसेंट के रिटर्न, इसके ऑल टाइम हाई तक अगर मैं इसे ले जाऊँ तो लगभग 6592% के रिटर्न, 6592% के रिटर्न यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब क्या करना चाहिए? ओके, 6592% के रिटर्न अगर अगर 2 साल के अंदर अंदर आपको मिल गए हैं तो आप क्या करेंगे? बट ये कंपनी और भी ज्यादा यहाँ पर तरक्की कर सकती है, और भी ज्यादा यहाँ पर रिटर्न दे सकती है। वो कैसे? उसी चीज के लिए यहाँ पर ये वीडियो बनाई जा रही है, तो लास्ट तक देखिएगा इस वीडियो को और चीजों को समझिएगा। पर बिफोर द वीडियो में आगे बढ़े और जाने इस कंपनी से रिलेटेड, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट, ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन, ताकि इस तरीके के पैनी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सके। देखिए, पैनी स्टॉक्स का मतलब क्या होता है? पैनी स्टॉक्स का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी स्टॉक्स यहाँ पर हो, आपने आंख 1 रुपए वाला, 2 रुपए वाला, 4 रुपए वाला, 10 रुपए वाला स्टॉक्स हो और आप आंख बंद करके उसे स्टॉक्स को इनमें इन्वेस्ट कर दे। पैनी स्टॉक्स को चूज करने से पहले बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी चाहिए, जैसे कि कंपनी के ऊपर डेट कितना है, कंपनी कितने यहाँ पर रुपए की है, कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, कंपनी का आगे का विजन कैसा है, वो सब चीज अगर आप जानेंगे उसके बाद इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पैसे यहाँ पर फायदा होता हुआ नजर आएगा। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं स्विस मिलिट्री के प्रोडक्ट्स क्या है, कंज्यूमर गुड्स यहाँ पर लिख रहा है। तो देखिए, स्विस मिलिट्री अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर ऑनलाइन दिखेंगे। मैंने यहाँ पर आज तक यूज नहीं किया, बट हाँ मैंने इसके प्रोडक्ट्स यहाँ पर देखे। तो एक बार जाएंगे इनकी वेबसाइट पर, देखिए रणदीप सिंह हुड्डा यहाँ पर के ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो यहाँ पर जो यहाँ पर ये यह कंपनी है किस किस सेगमेंट में काम करती है तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। कंपनी यहाँ पर होम अप्लायंसेज में काम करती है, जिसमें मिक्सर एज वेल एज आयरन से रिलेटेड कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है। एक बार क्लिक करिएगा तो आपको पता चलेगी, एज वेल एज कंपनी काम करती हुई दिखाई देती है मैन पर्सनल वियर, ओके, वुमेन नहीं, केवल मैन पर्सनल वियर्स में, जिसमें ये यहाँ पर फ्रेंची एज वेल एज अंडर वियर्स प्रोडक्ट देते हुए दिखाई देते हैं। एज वेल एज कंपनी यहाँ पर मेन्स वियर्स में अगर हम बात करें तो केवल यहाँ पर अंडर वियर ही नहीं, यहाँ पर टी शर्ट भी है कंपनी प्रोवाइड करती हुई दिखाई देती है। एज वेल एज ये कंपनी यहाँ पर काम करती हुई यहाँ पर देखिए, एक बार चले जाइए तो आपको ड्यूरेबल मॉइस्चर मूव एज वेल एज एंटी पिलिंग एंटी फेडिंग, ये इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाते हुए दिखाई देते हैं। अलग अलग यहाँ पर अच्छे प्रोडक्ट्स इस कंपनी के हैं, यहाँ पर देख सकते हैं लोअर सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती हुई दिखाई देती है, शॉर्ट्स ये सारे प्रोडक्ट्स बनाती है। एज वेल एज यहाँ पर हम बात करें कंपनी किस किस प्रोडक्ट्स में, जिम टावल, पूल टावल, ओके, ये सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाती हुई दिखाई देती है। तो एक बार इनके न्यू लॉन्च है ये सारे के सारे, यहाँ पर माइक्रोवेव एज वेल एज यहाँ पर जितने भी यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स है सारे के सारे ये बनाते हुए दिखाई देती है। तो एक पूरा पैकेज ये बनाते हुए दिखाई देते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स का। तो जाके एक बार इनकी वेबसाइट को आप विजिट कर लीजिएगा तो आपको और भी सारी चीजें पता चलती हुई दिखाई देगी। तो ये टावल की रेंज में भी है, जिसमें मेल फीमेल टावल्स या फिर कह सकते हैं ये सारे टावल्स बनाते हुए यहाँ पर दिखाई देते हैं। एक बार जाके इनकी वेबसाइट को विजिट करिए। अब बात करते हैं कुछ और चीजों से रिलेटेड, तो कंपनी करती क्या है आपको पता चल गई है, किस रेंज के प्रोडक्ट्स, लेदर बैगेजेस गियर ये सब बनाती हुई दिखाई देती है। एक बार इनकी वेब यहाँ पर गूगल पे जाइएगा तो आपको पता चलेगी। देखिए, हमने तो यहाँ पर इनकी साइट पे केवल कुछ ही प्रोडक्ट्स देखे थे, बट इससे भी ज्यादा प्रोडक्ट्स दिखाई देते हैं, जिसमें ये वॉच में दिखाई देते हैं। यहाँ पर ये कंपनी यहाँ पर बैग्स बनाती हुई दिखाई देती है, लेदर बैग, डफल बैग, सारे प्रोडक्ट्स दिखाई देती है। एज वेल एज यहाँ पर ये अपने एयरपॉड्स बनाते हुए दिखाई देते हैं ये कंपनी। यहाँ पर ये कंपनी चार्जर बनाती हुई दिखाई देती है, और जितने भी यहाँ पर आप देखेंगे डिओड्रेंट वगैरह भी ये कंपनी बनाती हुई दिखाई देती है, परफ्यूम ये कंपनी बनाती हुई दिखाई देती है, मास्क ये कंपनी बना रही है, वैक्यूम क्लीनर ये कंपनी बना रही है। तो पूरा एक सब चीज यहाँ पर दिखाई देती है, यहाँ पर चार्जर ये कंपनी बनाती हुई दिखाई देती है, ओके। यहाँ पर देखिए इनके इनके यहाँ पर अगर आप शोरूम में गए होंगे स्विस मिलिट्री की, यहाँ पर वॉचेस भी दिखाई देती है, लगेज बैग, बेल्ट, वॉलेट, सारी प्रोडक्ट्स यहाँ पर ये कंपनी दिखाई देती है यहाँ बनाती हुई, एज वेल एज ब्लूटूथ स्पीकर, ओके, स्पीकर, ये सब चीज यहाँ पर प्रोडक्ट्स यहाँ पर ये यहाँ पर जाएंगे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखाई देंगे, जैकेट्स यहाँ पर इनके दिखाई देंगे,
वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जिसमें ये सारी कंपनी इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाती हुई दिखाई देती है। अब चीजें और भी जान लेते हैं कुछ। कंपनी का जब से प्रमोटर चेंज हुए, इस कंपनी की किस्मत चमक गई और इसने लगभग 6000% तक के रिटर्न, यहाँ पर देख रहे हैं 6500% के रिटर्न, 6600% के रिटर्न इस कंपनी ने यहाँ पर अभी तक देते हुए नजर आया। और कितने टाइम में, लगभग बात करें स्मॉल टाइम ऑफ फ्रेम में, लगभग 2 साल के अंदर अंदर 6500% के रिटर्न मुझे नहीं लगता स्टॉक मार्केट में और किसी कंपनी ने अभी तक यहाँ पर दिया होंगे। तो स्विस मिलिट्री उसमें से एक है। अब बात करते हैं कुछ और चीजों की। तो यहाँ पर देखिए माइक्रो कैप कंपनी है, 235 करोड़ रुपए का कंपनी का मार्केट कैप है। तो यहाँ पर चार्ट को भी यहाँ पर देखिएगा लॉन्ग टर्म पे, तो लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी भागती तो तेज है, बट अगर गिरना शुरू करती है तो उसी हिसाब से गिरती भी नजर आती है। कभी ये शेयर की अगर हम बात करें तो ये शेयर लगभग 49 रुपए तक 2008 में भी गया था, उसके बाद एक लगातार गिरावट भी है। 41% का डेट भी है। ROC ROE काफी बेहतरीन है, इस तरीके की कंपनी में इस तरीके का ROC ROE मिल जाना काफी काबिले तारीफ है। यहाँ पर इंडस्ट्री पी 26 है और इसका 26 है, 91 है स्टॉक पी, तो कहीं ना कहीं काफी महंगा है ये शेयर। ओके, बट कंपनी कुछ ऐसा प्रेजेंट कर रही है जिसकी वजह से ये शेयर यहाँ पर महंगा नजर आता है, इस चीज को भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं कुछ और चीजों की। तो देखिए कंपनी का यहाँ पर देखेंगे एम्स टू बिकम 1000 करोड़ रुपीज ब्रांड इन इंडिया इन कोलेबोरेशन विद टोरियो। टोरियो के साथ इन्होंने यहाँ पर एक और कंपनी है उसके साथ यहाँ पर इन्होंने कोलेबोरेशन किया है और इनका एम है कि ये कंपनी 1000 करोड़ रुपीज तक, जो अभी 235 करोड़ है, 1000 करोड़ रुपए तक की ये कंपनी बनाना है। तो लगभग सीधे सीधे 5 गुना ये कंपनी बनाने का प्लान बना रहे हैं। ओके, तो पूरा का पूरा एक विजन है और जिसके अकॉर्डिंग ये चल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के ब्रांड, ओके, टोरियो ब्रांड से रिलेटेड देख सकते हैं कि कंपनी ओनिंग ग्लोबल फैशन हाउस ये दिखाई देता है। तो ये सब चीज इससे रिलेटेड इस आर्टिकल में यहाँ पर दे रखा है, जो कि आप वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ग्लोबल प्राइम न्यूज में इसने छापा भी था और मैं इसका ये लिंक दे दूंगा, तो एक बार जाके इस चीज को पढ़ भी लीजिएगा। तो सीधे यहाँ पर जब 5 गुना यहाँ पर इसका मार्केट कैप हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है शेयर 23 का नहीं रहने वाला। शेयर भी यहाँ पर 100 रुपए तो कम से कम, यहाँ पर अगर 5 टाइम्स यहाँ पर देखते हैं तो 100 रुपए तक तो ये शेयर को एटलीस्ट यहाँ पर जाना चाहिए। तो इसी को यहाँ पर आप देख सकते हैं। कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, अगर कंपनी यहाँ पर पी इसका ज्यादा है तो पी ज्यादा उसी कंपनी का होता है जो कंपनी यहाँ पर अच्छा खासा काम करती है। तो कंपनी यहाँ पर रिटर्न देखेंगे सेल्स, तो कंपनी की सेल्स लगातार बढ़ रही है, हाईएस्ट एवर सेल्स अभी भी दिखाई है। कंपनी का प्रॉफिट देखेंगे वो यहाँ पर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कंपनी का मार्जिन देखेंगे वो यहाँ पर नेगेटिव से पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और लगातार 4-5 क्वार्टर से। कंपनी का नेट प्रॉफिट देखेंगे लगातार, जो लाखों नेगेटिव यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहा था वो करोड़ों में यहाँ पर प्रॉफिट कमा रही है। और कंपनी आपस ईयरली बेसिस पे भी सेल्स देखेंगे तो कंपनी हाईएस्ट एवर सेल्स, और जिस तरीके के बैग्स बना रही है, जिस तरीके से कंपनी उभर के आ रही है, तो आगे चल के ये ही कंपनी करोड़पति ना बना दे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकती है। रिजर्व देखें जो नेगेटिव में धीरे धीरे कम हो रहे हैं। कंपनी की बोरिंग धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। इसके अलावा और बोरिंग की भी बात करें तो मैं आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगी इस बार बोरिंग ली है और ये जो बोरिंग है इस पे इन्हें किसी तरीके का इंटरेस्ट नहीं देना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो कि अभी हम यहाँ पर आगे देखेंगे भी। तो कंपनी कि ये सारी चीजें हैं जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो देखेंगे तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने बोरिंग इंटरेस्ट कितना दिया है, कोई भी 0 इंटरेस्ट दिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। अब और कुछ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, कंपनी का ईयरली बेसिस पे ग्रोथ देखिए, नेट प्रॉफिट में आफ्टर टैक्स वो बढ़ा है, एबिटा कंपनी का बढ़ा है, नेट रेवेन्यू कंपनी का ईयर बेसिस पे बढ़ा है। इसके अलावा यहाँ पर कंपनी की नेट प्रॉफिट देखिए, कंपनी का नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। क्वार्टर वन में ये था, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री, क्वार्टर फोर में कुछ और है। क्वार्टरली रेवेन्यू देखिए जो कि लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है कंपनी का Q1 से Q4। कंपनी का यहाँ पर ईयरली नेट प्रॉफिट देखिए, जो नेगेटिव था वो सीधे यहाँ पर पॉजिटिव पहुंच गया और वो भी कितना, 274 लाख रुपीज। इसके अलावा ईयरली रेवेन्यू देखिए, कंपनी का ईयरली रेवेन्यू सीधे यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 2022 में तो इन्होंने काफी लगभग 10 टाइम्स यहाँ पर ईयरली बेसिस पे यहाँ पर ग्रोथ किया है। और यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स देखेंगे तो काफी यहाँ पर रेवेन्यू देखिए, कंपनी के रेवेन्यू बढ़े, कंपनी का यहाँ पर प्रॉफिट देखेंगे, कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ा है, ईपीएस कंपनी का धीरे धीरे बढ़ रहा है। और यहाँ पर कुछ चीजें यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर और चीजें पता चलेगी आपको कि यहाँ पर द एवर रिजल्ट यहाँ पर देखिए, ये चीज को इस ग्राफ को यहाँ पर देखिएगा तो आपको आपको यहाँ पर पता चलेगी कंपनी का ग्राफ देखिए।
देयर बीइंग नो सब्सिडरी ऑफ द कंपनी ओके एवर रिजल्ट आर प्रिपेयर्ड ऑन द स्टैंड अलोन बेसिस. तो कंपनी के जो भी रिजल्ट आए स्टैंड अलोन बेसिस पे आया है, दूसरी सब्सिडरीज का यहाँ पर रिजल्ट नहीं लिखे गए है. एज वेल एज यहाँ पर देखेंगे कंपनी ने यहाँ पर इन ऑर्डर टू फंड एंड सपोर्ट द प्रेजेंट एंड द न्यू बिजनेस वर्टिकल द ऑल्सो ओनिंग द बिजनेस कंसीडरिंग. तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्टेड टू रेज इंटरेस्ट फ्री. देखिए इंटरेस्ट फ्री अनसिक्योर्ड लोन इन्होंने लिया है 6.75 करोड़ का, जो कि यहाँ पर अभी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा था 6.75 करोड़ का. तो अनसिक्योर्ड इंटरेस्ट फ्री यहाँ पर लोन कंपनी को दिया गया है किसके थ्रू, मिसेस अनुशी रिटेल एलएलपी के थ्रू, जो कि यहाँ पर इनके प्रमोटर भी है. और जो अनुशी रिटेल एलएलपी है उसको 100% एक्वायर किसने किया है, इसी पर्टिकुलर स्विस कंपनी ने किया है. यहाँ पर और देखेंगे 100% इक्विटी शेयर्स ट्रिपल ए यहाँ पर देखेंगे. यहाँ पर सब्सिडरीज है, ये बहुत सारी सब्सिडरीज भी है इस पर्टिकुलर कंपनी की. यहाँ पर आप देखिए अनुश्रिया भी इसकी सब्सिडरीज है ओके. ट्रिपल ए स्नेहा कंटेनर्स इन्होंने एक कंपनी है 100% इसे एक्वायर कर लिया है ओके. कंपनी बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस कर रही है और यही चेंजेस शायद आगे के टाइम पे इस कंपनी को और मल्टीबैगर बना सकती है. और यहाँ पर देखेंगे कंपनी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़ने के लिए है. यहाँ पर देखिए ऑडिटेड यहाँ पर द अबव रिजल्ट और यहाँ 31st सब्सिडरीज ऑफ द कंपनी. कंपनी इज फंड, इन्होंने फंड भी रेज किया था अभी ओके, जो कि 2 रुपये और 4.5 रुपये के आसपास था. तो ये यहाँ पर दिखाई देता है कंपनी ने यहाँ पर देखिए अच्छा खासा लोन भी लिया था. तो यहाँ पर बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हैं. इस आर्टिकल को भी यहाँ पर बीएससी पे जाएंगे तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं. इसके अलावा कंपनी के यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए. प्रमोटर्स के पास पहले कम होल्डिंग थी, 60% थी, फिर 36 थी, फिर 19 थी. सीधे यहाँ पर 2020 में 72% हुई और शेयर भी सीधे यहाँ पर भागता हुआ दिखाई दिया. यहाँ पर आप देख सकते हैं शेयर किस तरीके से भागा था, अपर सर्किट लगते हुए दिखाई दिए थे इस पर्टिकुलर शेयर में. तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग चेंज होने का पर भी यहाँ पर आप ध्यान करें, जब भी कंपनी में शेयर होल्डिंग चेंज हो शेयर भागते हुए दिखाई देते हैं. और अभी थोड़ा यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई दिया लगभग 6%, बट यहाँ पर देखेंगे पब्लिक में 33 दिखा रहा है. 33 में भी लगभग यहाँ पर 18% की होल्डिंग कुछ बड़े बड़े ग्रुप ने, अनुशिया लिमिटेड ने 4.15% की होल्डिंग यहाँ पर है ओके. वरदान वैल्यू के पास यहाँ पर 1.08% की होल्डिंग है और लगभग 15% के आसपास की होल्डिंग पब्लिक के पास है. तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स है और ये ब्रांड धीरे धीरे उभर के आ रहा है. और कभी इसी तरीके का ब्रांड पेज इंडस्ट्री भी हुआ करता था, जो कि जॉकी बनाता है ओके. आज की डेट में यहाँ पर देखेंगे तो इस कंपनी ने भी यहाँ पर 2 साल के अंदर 6600% की रिटर्न दे दी है. अब क्या हो रहा है उससे रिलेटेड बातें कर लेते हैं. तो देखिए सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए शेयर शायद थोड़ा सा यहाँ पर गिरता हुआ नजर आ सकता है ओके. और इस रेंज में दोबारा आ सकता है, इस रेंज में यहाँ पर भागता हो, इस रेंज में ये शेयर फंसा हुआ है. जिस दिन इस रेंज से 2590 से भागा तो शेयर सीधे यहाँ पर 30 रुपए जाएगा और 30 रुपए को क्रॉस किया तो ऑल टाइम हाई को भी यहाँ पर, जो इसका अभी रिसेंटली आई था उसे यहाँ पर 52 वीक हाई को भी यहाँ पर क्रॉस कर सकता है और यहाँ पर जाके चीज नीचे आ सकती है. तो यहाँ पर रिजल्ट बैक टू बैक अच्छे दे रहा है तो शायद इसी रेंज में यहाँ पर ये कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है शॉर्ट टर्म में. बट इसे अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा, क्यों, क्योंकि ये शेयर कब आपकी किस्मत बदल दे किस नोबडी नोज ओके. और यहाँ पर पैसा उतना ही लगाना क्योंकि कहीं ना कहीं ये रिस्की स्टॉक भी है. जो रिस्क ले सकता है ऑब्वियसली बात है उसे रिटर्न भी ऐसे मिलेंगे, बट रिस्क के साथ में यहाँ पर देखिएगा तो गिरावट भी उसी तरीके से हो सकती है. और अच्छे रिटर्न पाने हैं तो ऐसी ही कंपनी आपको करोड़पति बनाएगी, जो कि यहाँ पर अच्छे खासे प्रमोटर्स पैसे डाल रहे हैं ओके. डेट फ्री इंटरेस्ट फ्री यहाँ पर कंपनी को पैसे मिल रहे हैं. कंपनी धीरे धीरे एक्विजिशन कर रही है. कंपनी ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है 2 साल में और भी यहाँ पर रिटर्न देती हुई नजर आएगी. तो यहाँ पर ब्रांड भी है ओके. कंपनी धीरे धीरे यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट में काम कर रही है और कंपनी अच्छा खासा धीरे धीरे परफॉर्मेंस भी करती हुई नजर आएगी. 53 ओके, शॉर्ट टर्म में शायद आगे चल के ये 53 का भी टारगेट ले और आगे चल के शेयर 1000 रुपए तक भी पहुंच गया, क्योंकि ऐसे ही शेयर 1000 रुपए पे भी पहुंच जाते हैं. तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना. सपोर्ट ये है, रेजिस्टेंस यहाँ है, ये सब चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और जितना हो सके सपोर्ट करना. सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस.